चरे लोग पार्ट 6 में अब तक आपने देखा ब्रिज कहाँ गया। गाइस मैंने क्या कर दिया, ओह गॉड क्या कर दिया मैंने उससे, उसको पहुंच लड़ाई कर लेता उससे यार। मुझे लगता है कि मैं अपना सामान शायद रिकवर कर सकता हूँ, बट जाना इतना दूर है अपने को। एक तो मैं अपना वो पुराना आर्मर निकालूँ फटाफट। चलो भाई यार बहुत इरिटेशन हो रही है मेरे को। नीचे कैसे गिर गया मैं यार, और नीचे गिरा ही तो एक जोहर कैसे मर गया भाई। मेरे को ना थोड़ा सा फटाफट दिमाग लगा के वहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस कर देता ना अगर मैं तो मैं बच जाता। पहले मैं देख लूँ कि मैंने गोल्डन कुछ पहना है नहीं पहना, नहीं तो यही पीछे पड़ जाएंगे। टाइम टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फटाफट भागना पड़ेगा। बे पीछे पड़ गया गाइस, बे पीछे पड़ रहा है, पीछे बे पीछे पड़ रहा है, कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भाग रहा हूँ। बे से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, और मैं यहीं कहीं तो मरा था। हाँ गाइस मेरे को मिल रहा दिख रहा है सामान मेरा, अगर मैं ये जा रहा है ना नीचे तक। ओ गाइस बहुत सारा सामान मिल गया मेरे को तो, मेरा क्या क्या मिल गया। ओ पिकैक्स, ओ एम नाइस एफिशिएंसी वाली पिकैक्स मिल गई। ये क्या आवाज कहाँ से आ रही है, और वहाँ पे भी सामान पड़ा है मेरा तो। एक पिकैक्स, आर्मर प्लेट, चेस्ट प्लेट, चेस्ट प्लेट नहीं है अपने पहना अच्छी वाली, चेस्ट प्लेट गई अपनी। एक बूट्स, हेलमेट, गोल्डन बूट्स गए अपने। और फटाफट ऊपर चलो गाय से तो हटा हुआ हमने जल्दी जल्दी कर ली। मुझे ऐसा लग रहा है डिस्पॉन भी हो सकता है सामान वैसे हमारा। ओ ओरे 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 तो बहुत मारते हैं गाइस, इनसे पंगा नहीं लेना। गॉड मुझे नहीं पता कि मैं इनसे लड़ भी सकता हूँ या नहीं, मेरे पास आयरन भी तो नहीं है, मैं शील्ड भी तो नहीं बना सकता अपने लिए। डोज वर द डेज, ये क्या हो गया। ऐसा करते हैं ऊपर चलते हैं। वो क्या है, बट गोल्डन ब्लॉक ऐसे खुले हैं पड़ा हुआ है वो। ये बैस्टियन यहाँ भी है, इसका मतलब पहले हम इसको देख लेना। ये क्या है, इसमें क्या है, क्या है, सीढ़ियाँ हैं कुछ तो होगा। ओए ओए ओ भाई ओ बेटा, इतना ज्यादा डैमेज खाई से तो मेरी बूती सो जाती। से ओ गोल्ड गोल्ड दिख रहा है। ओरे आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, पीछे आ रहा है गाइस। कहाँ रह गया, आजा आजा तेरी, आजा आ रहा है, आएगा नहीं आ रहा। अरे चल तेरी, चल तेरी, गाइस मेरे पास आर्मर नहीं है वापस जाने के लिए। तो गाइस मैं जल्दी से भाग के आया और मैंने फटाफट से अपना सामान तो वापस ले लिया है, बट मुझे एक चीज समझ में आ गई है, मैं इन ब्रूट्स के साथ ऐसे लड़ाई नहीं कर सकता गाइस, ये तो मुझे बहुत आराम से मार देंगे और मैं अब तीसरी बार मरना नहीं चाहता। तो अब टाइम आ गया है, मुझे मेरे बेस पे वापस जाना ही पड़ेगा गाइस, और अगली बार जब हम आएंगे तो ये जगह ख़त्म होगी, ख़त्म गाइस।
फाइनली मैं घर तो आ चुका हूँ, बट अब हमने जो खोया है उसका बदला हमारे को उनसे लेना है। और गाइस मैं उनसे बदला लूँगा। राज सिमरन से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, वो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे फटाफट तैयारियाँ करनी है गाइस, बहुत तैयारियाँ करनी है गाइस। ये हमारा पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी बन चुका है, अब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इन्हीं के भाई बंधु हैं गाइस ये पेपे। काश पेपे नीचे गिर जाए। यस गाइस, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। शगुन पेपे को हमने नीचे गिरा दिया है गाइस, बस कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाला हूँ। वो दिख रहा है गाइस हमारे को। अब टाइम आ गया अपना इनविजिबिलिटी का पोर्शन लेने का। अब गाइस हम इनविजिबल हैं, तो अब मोस्ट प्रॉब्ली अब उनको हम दिखेंगे ही नहीं, तो हम आराम से उनके पास जा सकते हैं। मुझे यहीं पे एक चेस्ट दिख रही है गाइस, पहले हम इस चेस्ट को देख लें कि इसमें क्या है, और इससे पता चल जाएगा कि हम सेफ है या नहीं है। कोई मैग्मा क्रीम मिल गई गाइस, हम जो ढूंढ रहे थे हमको वो मिल गया है। बोन ब्लॉक एफिशिएंसी 4 पिकैक्स, नाइस। अब हमारे को उन ब्रूट्स को ढूंढना है गाइस। वो ये तो हमें देख पा रहे हैं, व्हाट, ये कैसे देख पा रहे हैं भाई यार। हद ही हो गई। इनविजिबल हूँ मैं, बट मैं तो गाइस उसको तो हमने मार दिया, बट एक बात हमारे को पता चल गई है कि गाइस ये तो इनविजिबिलिटी के पोर्शन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो बहुत अलग बात थी यार, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब मैं इनविजिबल हूँ तो वो मुझे कैसे देख पा रहा है गाइस, इसके बारे में तो मुझे पता करना पड़ेगा यार, ये तो मुझे पता ही नहीं थी चीज़। मतलब इनविजिबिलिटी का पोर्शन लगाने के बाद भी मैं उनसे लड़ाई नहीं कर सकता, ये क्या बात हुई यार। लगता है एक ही तरीका बचा है, तोड़ो उसको। वो एक और चेस्ट है वहाँ पे, मैं छुप के जाऊँ। यहाँ तो नहीं है वो, यहाँ पे दो चेस्ट हैं गाइस। क्या पता इस चेस्ट में अमेजिंग लूट हो, इसके अंदर कोई आ नहीं पाएगा और मैं आराम से लूट ले पाऊँगा। भाई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, इनसे पंगा लेना मजाक नहीं है। क्या मिला, सोल स्पीड मिली गाइस अपने को, स्मॉल स्पीड तो बढ़िया है गाइस। चेन सोल इसको लेके जाना चाहिए, ब्लॉक ऑफ आयरन। और इसमें क्या है देखते हैं, गिल्डेड ब्लैक स्टोन, गोल्डन एप्पल, एरोज मिल गए काफ़ी सारे अपने, गोल्डन एप्पल मिला गाइस। ये क्या है, क्राइंग ऑब्सीडियन रख लेते हैं अपने पास, ये भी मस्त तरीके का ब्लॉक लग रहा है, इसको भी ले लेते हैं। क्या ड्रॉप करूँ, ये ड्रॉप ये नहीं चाहिए अपने को, ये गोल्डन एप्पल इसको रख देते हैं, बूट्स ख़राब हैं। ये बॉटल नहीं चाहिए अपने को, ये गोल्ड नगेट्स भी नहीं चाहिए अपने को। इसमें से ब्लॉक ऑफ आयरन निकाल लेते हैं, सोर्स भी निकाल लेते हैं, ब्लॉक ऑफ आयरन एन आई कैसे हो गया। इससे ज़्यादा तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसमें से। वो गोल्ड का ब्लॉक दिख रहा है यहाँ से, ये अंकल फंसे हुए हैं यहाँ पे। अबे जंप क्यों मार रहा है भाई, ये तो बहुत डीप है, तो बहुत बड़ा है यार, मुझे लगा था मजाक होगा, ये तो इतना बड़ा है। और गाइस में तो डर इतना लग रहा है कि सपोज बाय चांस को दोबारा आ गए तो मेरे तो भागने की जगह नहीं है, मैं तो रास्ता ही भूल चुका हूँ तब तक। अगर मैं इस ब्लॉक को तोड़ूँ तो मुझे कोई गुस्सा करेगा क्या, देखा जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोल्ड मिल गया मेरे को, अभी दूसरा वाला ब्लॉक भी ले लिया मैंने, और कोई परेशान करने अभी तक तो नहीं आया है हमारे को। अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, पहले यहीं से ना जायज़ा लेते हैं जगह का कि और क्या है यहाँ पे, कुछ और है भी, जाना वर्थ इट भी है या फिर जो हो करना था वो हो गया, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल अननोन टेरिटरी है ये, कुछ भी हो सकता है। ये क्या चीज़ है, बड़ी गंदी लग रही है देखने में, मुझे मिल चुकी है अपेरेंटली पहले ही। वो एक चेस्ट दिखी गाइस, चेस्ट दिखी। पहले तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता देखो, मुझे यहाँ का एक चेस्ट दिखी तो थी यार। वो देखो गाइस कितने सारे हैं, वो गॉड बच गया भाई, यहीं से मारो इन्हें। हेडशॉट, बच गया। एक जगह खड़ा रहे यार,
ये गया गाइस, वो वहाँ पे तो बहुत सारा गोल्ड है। और अगर मुझे घर जाना हो तो ये रास्ता मैं ले आऊँगा, फिर ये सीधा ऊपर मुझे घर लेके जाएगा। लगता है मेरे को अपनी ये वाली पिकैक्स छोड़ के वो वाली पिकैक्स ले आनी चाहिए। आजा आजा चल तेरी पूरे आगे पे। यस, अपन से पंगा नहीं लेने का भाई। कितना गहरा और कितना बड़ा है ये, मैं तो वो सोच रहा हूँ कि मजाक नहीं है गाइस इसको टेक ओवर करना। ओए एक गोल्ड का पीस दिखा, ओए एक और गोल्ड का पीस दिखा, ये सब कैसे मिस कर दिया मैंने। गाइस जितना मुझे पता है ना कि ये जो गोल्ड है इससे ना मैं ट्रेड कर सकता हूँ इनके साथ। अब तो यहाँ ख़त्म हो गए ना, यहाँ तो इनमें घूम सकता हूँ। सही है यार आप तो बड़े मस्त। अरे इसके साथ मैं वो ट्रेड कर सकता हूँ ना, करके देखते हैं। आजा आजा आजा, ओ, ओ, ये क्या है? अच्छा तो मेरी चेस्ट ही है। हेलो हेलो भाई, जी है ना हमारे को सामान देता है, देखिए क्या देगा क्या देगा क्या देगा गोल्ड के बदले। वर्थ इट होना चाहिए बस। व्हाट फायर चार्ज भाई तेरा। हाँ जा जा जा, ये ले थोड़ा सामान दे यार अपने को। क्या दिया? अबे कहाँ लेके जा रहा है? ओ ऑब्सीडियन, अच्छा अच्छा अपने ऑब्सीडियन भी चाहिए अपने को। अरे भाग कहाँ गया यार? ओ सही जगह खोद दिया मैंने तो। अरे अच्छा अच्छा इसको गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने गोल्ड तोड़ा है। कुछ नहीं अपने कुछ करना ही नहीं, भगते रहो भगते रहो भगते रहो भगते रहो भगते रहो। पीछे मुड़ के देखो कोई नहीं आ रहा। नाइस भाई, वो होता है बढ़िया, वो बंदे बढ़िया होते हैं, मिनट के अंदर मार देंगे भाई साहब। इतना इतना बढ़िया लगा ना मुझे उनके साथ जो भी करा उन्होंने मेरे साथ। वो सी वन डॉक टू स्पेयर अन्ना वाला सी कि कहाँ ले जाता है हमने को। कोई अच्छी जगह ले जाए यार, बस मैं तो चाहता हूँ कोई अच्छी जगह ले जाए अपने को। ये व्हाट इज दिस? यार ये तो वही, मुझे यही वाले पेड़ चाहिए थे। चलो ठीक है यार ये भी ठीक है, मेरे को ये वाले पेड़ चाहिए थे क्योंकि गाइस ये ना पेड़ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। इसका सैपलिंग मिल जाए ना तो बेटर रहेगा। काओ की आवाज आई, ओए फॉक्स, ओ भाई साहब बढ़िया चीज है यार ये तो। ये क्या है? काश इसको मैं नहीं लेके जा सकता अपने साथ, बट इतनी मेहनत मेरे को करनी नहीं है कि मैं इसको अभी लेके जाऊँ। मैं ही चल सही सलामत पहुँच जाऊँ वही बड़ी बात है। मिस्टर काओ हेलो, कहीं चले जाओ कहीं चले जाओ, इनको इनको काम खराब करना होता है, अपने आर्मर को इम्प्रूव करना पड़ेगा तब जाके शायद मैं उनसे इतनी अच्छी तरीके से लड़ पाऊँगा कि मैं ब्रूट्स को सामने से टेक ओवर कर पाई। अभी तो वो मिनट में मार दे रहे थे यार, कोई सेंस नहीं था उनसे लड़ने का भी कोई सेंस नहीं था। अब तो लगता है हमारे को इन्वेंटरी खाली कर, इन्वेंटरी में सामान निकालना पड़ेगा, गिना चुना सामान ही लेके जा सकते हैं हम क्योंकि। लेट्स सी कि हम क्या क्या वापस लेके जा रहे हैं। नेदर एग छोड़ के हमारे को सब कुछ लेके जाना है, फिर भी ठीक ही रही एक तरीके से देखा जाए तो। अरे मैं बूट्स पहन लूँ एक तरीके से देखा जाए गाइस तो हमारे को ये पूरा इन्वेंटरी फुल के सामान तो मिल गया और हमने एक नया एरिया एक्सप्लोर किया। वो बात है कि हम इतनी बार मरे कि दर्दनाक हो गया यार, दो बार कोई नहीं मरता होगा यार। बट ये कि किस्मत देखो गाइस हमारी, हर बार हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब अगर मैं गिर जाऊँ लावा में तो मेरा सारा का सारा सामान भी जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमको जाना है अपने बेस पे। ये आ गया हमारा पोर्टल, यहाँ से जाना है हमारे को नीचे। थोड़ा अच्छा आर्मर होता ना गाइस तो मैं ये पूरा एरिया टेक ओवर करने की कोशिश करता, बट अभी ना मेरे को लगता है कि आर्मर की कमी है। और गाइस मुझे एक चीज़ चेक करनी है कि ये जो मेरा बायोम है ये कौन सा बायोम है, तो मैं F3 में जाके देखूंगा कि ये हम है कहाँ अभी। तो बायोम है हमारा नेदर वेस्ट। तो गाइस हमारे पास जो है परफेक्ट बायोम है अपने लिए, एक
एक्सपी फार्म बनाने का। गाइस कितना अच्छा लग रहा है उस गंदी सी जगह से वापस आके ना, मतलब मेरे को इतनी खुशी मिल रही है ना, मेरे को मन ही नहीं कर रहा नेदर में दोबारा जाने का। मतलब देखा ना यार आपने, सारे टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है। मेरा मन कर रहा है मैं घर जाऊँ, अपनी मुँह का उसे मिलूँ बस, और अपनी कुछ कुछ अपनी से मिलूँ मैं, अपने चेतक से मिलूँ मैं, मेरी राज सिमरन। तो अभी भी हमारी तरफ नहीं देख रहे गाइस, ये तो लगता है बहुत गुस्सा है हमसे या बहुत प्यार में है। हमारा चेतक हमारे तरफ सारे टाइम देखता है। इसको मैं आज गोल्डन कैरेट खिलाऊंगा, आज अच्छा दिन है। और मिस्टर आयरन गोलम क्या हाल है, बहुत दिन से बंद पड़े हो। हेलो पुचकू मुका, तूने मिस तो नहीं किया मुझे, करा ही होगा। गाइस अपने को ना आर्मर पे काम करना शुरू करना है। मैंने बात नोटिस कर ली कि मेरे को लगा था कि मेरा आर्मर बहुत ओपी है, बट बहुत बेकार आर्मर है यार। हाँ इसको मेरे को उगाना है गाइस, इसको पहले उगाओ, बड़ा करो अपने एरिया में। मैंने बड़ा किया था ये, देखना ये गंद सा पहाड़ इकट्ठा बन गया था यहाँ पे। लकड़ी भी है अपने पास ना, लकड़ी को मैं इसमें रख देता हूँ, बाद में काम आएगी। और अभी मेरे को फिलहाल कुछ ब्लॉक्स चाहिए। कोई वो नहीं है, नेदर एग नहीं है क्या अपने पास? नेदर एग कहाँ गया यार, कोई डॉट से काम चला लेंगे। इस सारे को ख़त्म करना है मेरे को पहले पूरे। इतना घना पेड़ उगा दिया बताओ मैंने, इतने सैपलिंग्स मिल गए बता। हमारे को जो मिला है वो ये है गाइस, ये सैपलिंग है बढ़िया, इसको मैं यहाँ उगाऊंगा थोड़ा दूर अपने से। और ये मेरे ख्याल से जितना मुझे लग रहा है बड़ा होना चाहिए, तो अपना डिस्पॉन हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं लेके आता हूँ अपने लिए थोड़ा सा बोन मील, बोन मील होना चाहिए अपने पे। नहीं है, बना लेते हैं, कोई नहीं ऐसे हो जाएगा आई गेस। मैं बोन मील से इस पेड़ को बड़ा करूं। यस, ये कैसा हो गया है? बट गाइस ये देख रहे हो ना, इसमें खास बात है कि इसमें लकड़ी लकड़ी ज़्यादा होती है। और अपने को तीन और मिल गए। अब मुझे इस पर ट्राई करना है कि ये होता है नहीं होता। अगर मैं इन चारों को यहाँ लगाऊँ, और जितना मेरे को पता है, पहले मैं चेक कर लूँ ये तीनों एक ही टाइप के सैपलिंग्स है ना। हाँ एक टाइप के ही हैं। बोन मील नहीं है अपने को, थोड़ी सी और भी बोन मील बनानी है अपने को। वैसे बोन मील तो यहाँ भी पड़ी होगी हमारे पास। यस हमारे पास बोन मील। अभी बोन मील को मैं, जितना मुझे पता है कि ये जो है ना, ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा अगर मैं इसको यहाँ कैसे करते हैं। ओ बन गया गाइस, बन गया, यही मैं चाह रहा था गाइस। ये देख रहे हो ना, अब ये आराम से हमारा वुड फार्म बन गया। मतलब हमारे को बार बार बहुत सारे पेड़ नहीं तोड़ने पड़ेंगे, हमें बस एक पेड़ तोड़ना पड़ेगा। अपने टकरी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आती, मजे की बात ये है। और फिर हमारी ये वाली इतनी बढ़िया पिकैक्स है अपने पास कि फटाफट से मैं तोड़ लूँगा, और अपने पास वुड की तो कमी नहीं होने वाली अब तो। गाइस यही है ट्री फार्म, देखो मतलब ये वाला अगर आपको मिल जाए ना, तो आपको लकड़ी की टेंशन ख़त्म हो जाती है, आपको सारा जंगल खाली नहीं करना पड़ेगा। एक पेड़ उगाओ और इनफ लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, इससे लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बट ज़मीन कैसी सी कर दी मेरी, ये क्या हो गया भाई, फंगस सा हो गया मेरी ज़मीन में। कोई बात नहीं, फंगस हो या क्या हो, हमें तो उससे मतलब था, इतनी सारी लकड़ी मिल गई और क्या चाहिए। तो गाइस इस एपिसोड में हमने बहुत ज़्यादा एडवेंचर करा, हम नेदर में गए जहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ा। हमारे को एक बिल्कुल अलग टाइप का मॉन्यूमेंट मिला, उसका नाम होता है बैस्टियन। और गाइस जितना मैंने रिसर्च करी, वो जो बैस्टियन मुझे मिला था वो ट्रेजर बैस्टियन था, तभी वहाँ पे इतना सारे गोल्ड ब्लॉक्स और इतना सब कुछ था। तो गाइस ब्रूट से सामना करने के लिए अभी हमारा लेवल बहुत कम है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी मैं उन ब्रूट्स के सामने टिक नहीं पाया। बट गाइस निराश होने की बात नहीं है, बट इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। और ये हमारे चेतक को क्या हो रहा है भाई, हम मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।